गाइस, आज के ज़माने में चिट्ठी पत्री पुराने ज़माने की बात लगती है, लेकिन कुछ लोग इसको इस समय भी यूज़ करते हैं। आपको पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे भारत तो क्या, पूरी दुनिया में श्रीनगर में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस स्थित है जो हर समय पानी पर तैरता रहता है। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर की डल लेक में पिछले 200 सालों से एक पोस्ट ऑफिस पानी पर तैर रहा है, और यहाँ का पोस्टमैन भी आम तरीके से पोस्ट को बांटने के लिए नहीं जाता, वो भी पोस्ट को बांटने के लिए नाव से जाता है। और गाइस, इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए तमाम पर्यटक, तमाम सैलानी वहाँ पर आते हैं और इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के साथ अपनी फ़ोटोज़ को खिंचाते हैं। तो गाइस, इस बार आपका भी अगर श्रीनगर जाने का प्लान हो तो इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को ज़रूर देख कर आइएगा। गाइस, बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले गोपाल एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। इन्होंने इस हद तक गरीबी को देखा है कि फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर अपनी प्रतिभा के दम पर गोपाल 10 से ज़्यादा आविष्कार कर चुके हैं और उनमें से 2 को तो अपने नाम पेटेंट भी करा चुके हैं। और गोपाल की इसी प्रतिभा को देखकर नासा ने उन्हें 3 बार करोड़ों रुपए के ऑफ़र दिए, लेकिन गोपाल ने सबको ठुकरा दिया। और इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको वहाँ पर आने का ऑफ़र दिया, लेकिन उसको भी गोपाल ने ठुकरा दिया। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट के अलावा पूरे वर्ल्ड की अलग अलग 120 यूनिवर्सिटीज़ गोपाल को कई तरह के प्रलोभन दे चुकी हैं, लेकिन गोपाल ने डिसाइड किया है कि वो अपने देश में रहकर अपने देश के लिए ही इनोवेशन करेंगे। गाइस, क्या आपने गैस सिलेंडर्स के नीचे इस तरह के छेद देखे हैं? आखिर इस तरह के छेद किए क्यों जाते हैं? तो LPG गैस कंपनीज इस राज का खुलासा करती हैं कि अगर सिलेंडर कहीं नीचे से अगर लीक हो जाए तो वहाँ पर उसकी गैस स्टोर ना हो, वहाँ पर उसकी गैस आसानी से निकलती रहे। उसके अलावा इन छेद से होकर एयर का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता है, जिस वजह से सिलेंडर नीचे से ठंडा रहता है। और इसके अलावा इन होल के साइजेस अलग अलग होते हैं अलग अलग कंपनी के हिसाब से, मतलब अगर ऊपर से उसका प्रिंट मिट भी जाए तो इन छेदों के आकार के हिसाब से हर कंपनी पहचान सकती है कि ये उस कंपनी का सिलेंडर है। तो गाइस, अब तक आपने सभी कुत्तों को भौंकते हुए सुना होगा, लेकिन कुत्तों की एक नस्ल ऐसी भी होती है जो कि गूंगी होती है, भौंक ही नहीं सकती, और वो कुत्ते भौंकने की जगह एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। गाइस, बेसेंजी नस्ल के ये कुत्ते स्विट्ज़रलैंड में पाए जाते हैं और इस नस्ल की शुरुआत साउथ अफ्रीका में हुई थी। प्राचीन काल में लोग इन्हीं कुत्तों को पालना पसंद करते थे क्योंकि इन कुत्तों की नज़र बहुत तेज होती है और ये शिकारी कुत्ते होते हैं। इसके साथ साथ ये डॉग्स बेहद निडर होते हैं। तो गाइस, इन कुत्तों को बेचारा समझने की भूल मत करना क्योंकि ये रियल में साइलेंट किलर हैं। गाइस, चंडीगढ़ की रहने वाली 90 वर्षीय हरभजन कौर जी ने एक दिन अपनी बेटी से बात करते करते बताया कि वैसे तो ज़िंदगी सही बीती, लेकिन बस मुझे एक चीज़ का मलाल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया। और माँ की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी बेटी ने उनको प्रेरित किया और फिर हरभजन कौर जी ने बेसन की बर्फ़ी बनाई जो कि वे बेहद स्वादिष्ट बनाती थी, और उस बर्फ़ी को लेकर उनकी बेटी चंडीगढ़ के ऑर्गेनिक मार्केट में बेच आई। और उस दिन हरभजन ने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई 2,000 रुपये की, और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। वहाँ के लोगों में इस मिठाई की डिमांड बढ़ती गई और सन 1994 में आकर हरभजन ने अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिया। तो गाइज, मन में ललक होनी चाहिए, पैसे कमाने की कोई एज नहीं होती।